Good afternoon, student. Today we will start with lesson number 4 of your history standard A. This chapter name is Tribals, Bhikkhus and the Vision of a Golden Age, page number 39 of your textbook. Now in this chapter, we will understand that how Britisher, after conquering many territories and capturing many territories, when they got the Diwani rights, slowly they started taking the text, that is Diwani text, from each and every territory. When they realized that they can earn more and more income from the agriculture, that is tax, they moved towards the tribal group who was settled in the forest. So in this chapter we will study that how tribals, they revolt against the Britisher when they started interfering in their tribal life, custom and culture. First we will study about Birsa Munda, who was the tribal who had fought against Britisher. Page 39. In 1895, a man named Birsa was seen roaming the forest and village of Chota Nagpur in Jharkhand. Now from the first line we come to know that Birsa, we are talking about that tribal group who belonged from the Jharkhand and the village of the Chota Nagpur. People say that he is a miraculous power. He could cure all the disease and multiply grains. Birsa himself declared that God had appointed him to save his people from trouble, free them from the slaveries of the Bhikkhus, that the outsiders. Soon thousands began following Birsa, believing that he was the Bhagwan and had come to solve all their problems. So this is the example of 1895. The tribal man named Birsa, he was from Jharkhand, a village of the Chota Nagpur. And people over there believed that Birsa had a miracle power. He can cure all the diseases. वो सारी diseases को cure कर सकता था और grains को multiply, यानी कि ज़्यादा multiple कर सकता था. Birsa ने himself उसको अपने आप को declare किया था कि God ने ही उसको appoint किया है. क्यों? तो people को सारे troubles से बचाने के लिए स्लेवरी यानी गुलामी, जो डिकोज यानी आउटसाइडर्स, यानी कि यहाँ पे आउटसाइडर्स ब्रिटिशर्स हैं, जमींदार्स हैं, उन सबको ट्राइबल पीपल आउटसाइडर बोल रहे थे. तो उसी सब आउटसाइडर से बचाने के लिए भगवान ने उसको अपॉइंट किया और थाउजेंड्स ऑफ बिरसा के फॉलोवर्स हो गए उस विलेज में और बिरसा को भगवान मानने लगे जो उनके प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा. बिरसा वॉज बॉर्न इन अ फैमिली ऑफ मुंडास, ये ट्राइबल कम्युनिटी है मुंडा, तो वो उस फैमिली में बॉर्न हुआ था. अ ट्राइबल ग्रुप दैट लिव्ड इन छोटा नागपुर बट इज फॉलोवर्स, पर उसके जो फॉलोवर्स थे वो सिर्फ मुंडा कम्युनिटी में से नहीं थे, पर संथालास और ओरेंस कम्युनिटी में से भी थे. ये दूसरे दो ट्राइबल ग्रुप्स के हमें यहाँ पे कम्युनिटी के नाम दिए हैं. ऑल ऑफ देम इन डिफरेंट वे वर अनहैप्पी. ये सब क्यों बिरसा के फॉलोवर थे? क्योंकि ये ट्राइबल ग्रुप भी कहीं ना कहीं ब्रिटिशर फॉरेनर्स से खुश नहीं थे. डिफरेंट वे वर अनहैप्पी विद द चेंजेस दे वर एक्सपीरियंसिंग एंड द प्रॉब्लम्स दे वर फेसिंग अंडर द ब्रिटिश रूल. तो अंडर ब्रिटिश रूल सभी को कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स थे. देयर फैमिलियर वेज ऑफ लाइफ सीम टू बी डिसअपीयर, यानी कि जिस तरह से वो फॉरेस्ट में फ्रीली रोम कर रहे थे, किसी का इंटरफेरेंस नहीं था, उनकी कस्टम कल्चर वो अपने हिसाब से इंडिपेंडेंटली फॉलो कर रहे थे, तो ये सभी चीज में उन्होंने चेंज देखा. उनकी लाइवलीहुड में चेंज हुआ, उनके रिलीजन, उनको लगा कि उनका रिलीजन डेंजर में है. नाउ व्हाट प्रॉब्लम डिड बिरसा सेट आउट टू रिजॉल्व? हु वर द आउटसाइडर्स? यहाँ पे आउटसाइडर्स की क्या बात हो रही है, क्यों उसको डिकोज बोला जाता है? तो ये सब हम ये चैप्टर में पढ़ेंगे. अब ट्राइबल्स के कुछ अलग कस्टम्स होते हैं, उनके अलग रिचुअल्स होते हैं जो उनको अलग वे फॉलो करना होता है. ये सोसाइटी है डिड नॉट हैव अ सोशल डिविजन, यानी कि जैसे हमारे सोसाइटी में ब्राह्मण क्षत्रिय वैष्णव ऐसे हमने डिवाइड किए हुए हैं कास्ट को, यहाँ पे ऐसा कुछ डिविजन नहीं होता है. कोई पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक्स कास्ट का नहीं होता है. ऑल दोज हु बिलोंग to same tribe thought of themselves as sharing a common ties of kinship. यानी कि जो भी होता है मुंडा, संथालास, ओरांज, ये सभी को सेम ट्राइब फॉलो करते हैं. कॉमन ही कस्टम्स होते हैं, कॉमन ही रिचुअल्स होते हैं, राइट?
However, this did not mean that there was no social and economic difference. पर हाँ, वहाँ उन in this tribal group also there was some little bit of social and economic difference. Page number 40. Now, how this tribal group live? अब इनमें भी कुछ tribal group के अलग-अलग occupations होते थे. So here are given that how this tribal group live. Few tribal people followed a zoom cultivation. Few tribal group were hunters and gatherers. Few used to do the job of herded animals. And few had a settled cultivation, that is agriculture. Now we will study all this tribal group in a detail. First I will start with the zoom cultivator. Page number 40. How did tribal groups live? By the 19th century, tribal people in different part of India were involved in different activities. So, this were the different activities which tribal people of India used to form. Har ek jagah pe India pe tribal people ki ye alag alag activities hai. Sabse pehli activity jo hum padhenge wo hai zoom cultivator. Wo first activity hai. Some were zoom cultivators. Some of them practice zoom cultivation. Zoom cultivation हमने standard 7 में geography में पढ़ा है, that is shifting cultivation. Now what do you mean by this cultivation? एक forest में एक वो लोग patch of land select करते हैं, उसके जितने भी trees है, उसको cut करते हैं, burn करते हैं. Burn होने के बाद उनकी जो भी ashes होती है, वो उस land के साथ उसको till कर देते हैं, यानी कि वो soil की fertility को बढ़ाने के लिए उसको till कर देते हैं. After tilling that, they start the cultivation. This they practice for few years. ये patch of land में वो 2 year, 3 year, 4 year, जब तक soil की fertility रहती है, तब तक वो practice कर लेते हैं. Once the soil fertility is gone, they abandon this land. यानी कि वो इस land को छोड़ देते हैं, and they shift to the another patch of land. That is why it is known as a shifting cultivation. Again, they select one patch of land and then they start their cultivation. That is why it is known as shifting cultivation. This was done on a small patch of land. Mostly, ये cultivation जो होता है, वो forest में ही practice होती है और tribal group ही follow करता है. Cultivators cut the tree tops so that they allow the sunlight to reach the ground. They burn the vegetation on the land for the cultivation. They spread the ash from the fire. Why? Because this ash contains the potash and it helps fertilize the soil. They use the axe to cut trees and hoe to scratch the soil in order to prepare the cultivation. They broadcast the seeds, fit, sowing, plowing strategy, scatter the seeds on the field instead of plowing the land and sowing the seeds. Once the crop was ready and harvested, they moved to another field. A field that had been cultivated once was left fallow. What do you mean by fallow? यानी कि वहाँ पे uncultivated छोड़ देते हैं, क्योंकि soil की fertility को regain करने के लिए for several years. Shifting cultivators were found in the hilly, forested tract of northeast and central India. यहाँ पे हमें बताया गया है कि ये कौन से पार्ट ऑफ इंडिया में प्रैक्टिस होते थे. द लाइफ ऑफ दिस ट्राइबल पीपल डिपेंड ऑन फ्री मूवमेंट. ये किसी भी इसमें नहीं थे, इंडिपेंडेंट थे, फ्री मूवमेंट थे, फॉरेस्ट में मूव होते रहते थे, जो भी लैंड उनको लगती थी वो यूज करते थे. दैट इज द ओनली वे दे कुड प्रैक्टिस एंड दैट इज द ओनली वे कि ये शिफ्टिंग कल्टिवेशन प्रैक्टिस कर सकते थे.